गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज़ मानूर। तो ये जो हेयर स्टाइल है ये मैंने क्रिएट किया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये स्लीक ऑल बैक है। आप इसमें ये स्किप कर सकते हैं, ये स्किप कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, विच इट सेल्फ लुक्स रियली गुड। इस आई जस्ट थ्रो इट बैक। तो अगर आप लोगों को देखना है ये मैंने किस अचीव किया है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। अच्छा जी, जो ये हेयर स्टाइल है ना, इसके लिए आपके बाल होने चाहिए डेड स्ट्रेट, और अगर एक दो दिन पुराना वॉश हुआ है तो फिर तो बेस्ट है, क्योंकि फिर आपके जो ये फ्लाई आउट्स होते हैं ना ये नहीं इतने ज़्यादा होते, और आपके बालों में थोड़ा सा सीरम और सीबम प्रोड्यूस हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपके बाल एक जगह पर टिके रहते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मैं जीप लग रही हूँ। तो आपको चाहिए हेयर स्प्रे, कोई भी हेयर स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, जूड़ा पिन जो छोटी वाली होती है, मतलब छोटी और पतली वाली होती हैं, और टेलकॉम। तो हमने पहले क्या करना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये हेयर स्टाइल, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर तो ज़बरदस्त है। तो मैं अपना मिरर सामने रख लूँ अपने जी। तो अब हमने क्या करना है कि ये मैं अपनी थोड़ी सी मांग निकाल रही हूँ। अब मैंने अपने हाथों की हेल्प से सारे बालों को पीछे की तरफ करना है टाइटली। अब जी अपना टेलकॉम लूंगी और इसकी हेल्प से मैंने सारे बालों को इस तरह पीछे कर देना है। आप इसको हाई पोनीटेल में भी बांध सकते हैं, इट्स टोटली 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 अप टू यू। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने पहले इसको करना है टाइट सी एक रबर बैंड में टाई। तो मैं ये मोटी वाली रबर बैंड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें बाल बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं। अब हमारे बाल जो कि पोनी में बन चुके हैं, आप चाहें तो इसको पोनी में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको पोनी में नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो फिर हम लोग कर तेल कॉम्बीरा, जल्दी से हमने इसको स्प्रे करना है, और उसी टाइम ही हमने इसको ऐसे बैक कर देना है। सेम इस तरफ भी। अपने हाथ से लूंगी फिर स्प्रे और ये सारे एक बार फिर से पीछे चले जाएंगे मेरे बाल, ठीक है। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम इसमें वेरिएशन करेंगे। अब ये जो मेरे बाल हैं इनको मैं अपने एक जूड़े में बना दूंगी, बस मैंने इनको फोल्ड 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 ही करना है, पिंस की हेल्प से मैं इसको सिक्योर कर दूँगी। मेरे मुँह में चला गया तकंदा टेस्ट है। तो जी जूड़ा पिन में आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरह की दिख रही है। जूड़ा पिन ये इस तरह की है, छोटी सी, ठीक है, और लेकिन ये बहुत बहुत स्ट्रांग होल्ड होती है, तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसको मैं फिर से अपने बाकी जूड़े में लगा दूंगी। अगर आपके बाल छोटे हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा जूड़ा पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक ये इनफ है, एक बार अपने जूड़े को हाथ लगा के देखें कि वो स्ट्रांग है, अपनी जगह पर है। ये हमने कर लिया है। तो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो चौड़ी माथा पट्टी टिक्के का चला हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे करना है एडजस्ट। तो अब हम इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये उठा हुआ भी ना लगे और यहाँ पर एडजस्ट भी हो जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक थ्रेड। ये हमारा झूमर है, इसमें से जो सुराख है इसमें मैंने थ्रेड डाल दिया है, और थ्रेड को हम लोग वहीं प्लेस करेंगे जहां हमें ये चाहिए। तो हमें ये चाहिए यहां पर। तो अपने थ्रेड को आप चाहें तो जूड़े पे भी लपेट सकते हैं, और जो थ्रेड है आप उसको पीछे से बॉबी पिन की हेल्प से कर दें सिक्योर। डबल पिन यूज़ करूँगी ताकि मेरा जो थ्रेड है वो अपनी जगह से हिले ना, और उससे ये होगा कि आपका थ्रेड भी नहीं नज़र आ रहा और आपका जो जूड़ा है झूमर है वो भी सेट हो चुका है, और ये जो इसका हुक है, आई विल पुट दिस अंडर। ओके गाइज, सो दिस इज़ द फाइनल लुक, आई होप यू गाइज लाइक इट। ये स्लीक ऑल बैक है, वन यू हैव
no other option or you want to style it with your saree or anything of that sort. मतलब मैं अपना दुपट्टा आपको एडजस्ट करके साड़ी की तरह दिखा देती हूँ कि ये उसके साथ कितना अच्छा लगता है. Let me show you guys. तो जी ये हमने दुपट्टा सेट किया है साड़ी की तरह. जस्ट इमेजिन, ये दुपट्टा नहीं है, मेरे साड़ी का पल्लू है. और जस्ट सी लाइक हाउ गॉर्जियस 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 दिस हेयर स्टाइल लुक्स. और उम्मीद है कि आप लोगों को ये हेयर स्टाइल पसंद आएगा. अगर आएगा देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई शैल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. एक और चीज़ क्विकली मैं आप लोगों को बता दूँ जो आप लोग इस हेयर स्टाइल में वेरिएशन कर सकते हैं. मैंने इसमें ये खूबसूरत सा गार्लैंड ऐड किया है. अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें कोई भी फ्लावर्स और एक्सेसरी ऐड अप कर सकते हैं. मतलब आप इसको और मज़ीद पूफी भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं. सो मैंने आई जस्ट सॉ इट और मुझे लगा कि इस हेयर स्टाइल के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा और वाकई ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो यू गाइस कैन ऐड फ्लावर्स जो आप लोगों को अच्छे लगे, गुलाब के या मोती के या जो भी, इट विल बी अ गुड चॉइस. तो फिर वीडियो ख़त्म करते हैं. बाय बाय.